हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने YouTube सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं यानी छुपा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है अपने Google Chrome में। Google Chrome में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको youtube.com लिख के YouTube को ओपन कर लेना होगा अपने Google Chrome में। मैं यहाँ पे YouTube को ओपन कर लेता हूँ। और YouTube ओपन हो जाने के बाद आपको अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करना है। जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैनल का लोगो है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और क्लिक कर देने के बाद दोस्तों मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये देखिए YouTube स्टूडियो। तो आपको YouTube स्टूडियो को ओपन करना है दोस्तों। इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक हो जाने के बाद आपको ये YouTube स्टूडियो में लेके जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने YouTube स्टूडियो खुल चुका है। अब आपको लेफ्ट साइड इधर आना होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा एक सेटिंग का ऑप्शन, तो इस सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। और क्लिक कर देने के बाद हमारे YouTube स्टूडियो की जो है सेटिंग अभी ओपन हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं YouTube स्टूडियो की सेटिंग ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है जनरल का, दूसरे पे आपको चैनल का ऑप्शन मिलता है। तो आपको चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे बीच में दिख रहा होगा एडवांस सेटिंग, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडवांस सेटिंग के ऊपर। और क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से थोड़ा आपको नीचे आना होगा। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है सब्सक्राइबर काउंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा जो टिक लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इस टिक को हमें हटा देना है यहाँ से। और हटा देने के बाद आपको राइट साइड में दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन, तो इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर नहीं दिखेंगे किसी को। तो मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग जो है सेव हो जाएगी और आपके सब्सक्राइबर जो है किसी को नहीं दिखाई देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा देना।